हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम जा रहे हैं मजनू का टीला, जिसके लिए मैं दाबड़ी मोड़ मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ले रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मेरे आर्ट चैनल को भी जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वहाँ पे मैं अपने आर्ट से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। सो चलो जल्दी से मेट्रो लेते हैं। सो हमें नोएडा और वैशाली दोनों में से कोई भी मेट्रो ले लेनी है टूवर्ड्स राजीव चौक, क्योंकि राजीव चौक से हमें चेंज करना है। वहां से येलो लाइन लेके हमारा डेस्टिनेशन है विधानसभा। यहां तक आ गए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, काफी लोग नहीं करते हैं, प्लीज कर दो यार। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ। मैं गेट नंबर 3 से बाहर निकल रहा हूँ, बस मुझे रोड क्रॉस करना पड़ा ई रिक्शा लेने के लिए। फिर वहाँ से मैं सीधा 20 रुपये का ई रिक्शा पकड़ के मैं सीधा मजनू का टीला पहुँच चुका हूँ। अभी अप्रॉक्स 3 बज रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे भीड़ देखो कितना ज़्यादा है। सो अभी मैं कुछ शॉपिंग नहीं कर रहा, सबसे पहले हम पेट पूजा करने जा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है तो पहले खा पी लेते हैं। सो हम आए हैं तेशी डेलेक में, मुझे नहीं पता मैं प्रोनाउंस सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ये एक छोटा सा बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है, अगर आप यहाँ आए तो इस रेस्टोरेंट में जरूर आए। काफी चीजें मुझे पसंद आई, टेस्ट भी बहुत अच्छा था प्राइस के हिसाब से। सो यहाँ पे हमने फोटोज भी ली और कुछ अच्छे शॉट्स भी ले लिए हैं। सो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और आपको मैं मार्केट दिखाता हूँ। आपने इस मार्केट के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं इसे एक्सप्लोर करते हुए आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ। अगर यहाँ शॉपिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे काफी कुछ मिल जाता है, ग्रोसरीज से लेकर क्लोथ से लेकर शूज से लेकर सब कुछ, फैशन ज्वेलरी से लेकर बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप जाके खा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अगर हम देखें तो फॉरनर्स हैं, तिब्बतियंस हैं, नेपालीज हैं, फिर दिल्ली में जितने लोग रहते हैं वो लोग भी विजिट करते हैं। यहाँ पे शॉप की बात करें तो यहाँ पे मोनेस्टिक की शॉप्स भी बहुत सारी है, अगर आप कुछ लेना चाहते हो। सो यहाँ से आप माला वगैरह ले सकते हो, चैंट वगैरह के लिए भी मिल जाती है। एक साइड में आपको स्ट्रीट शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको सस्ते में बहुत सारे सामान मिल सकते हैं, क्लोथ्स वगैरह। दूसरी साइड में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं जो आप विजिट कर सकते हो, कुछ बहुत कॉस्टली है, कुछ बहुत ज़्यादा चीप भी है। और अगर आपको सस्ता कुछ देखना है तो लेफ्ट साइड में आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि राइट में जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह हैं उसमें चीज़ें महंगी मिलती हैं, जैसे आप यहाँ क्लोथ्स देख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ शोरूम में मिल रही है वो यहाँ भी मिल जाती है, वो भी सस्ते में। और मैं ये इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि हमारे साथ हो चुका है। एक मिनट, थोड़ा रिवाइंड चलते हैं और इस शॉप में ट्राई करते हैं, कोजा। ये एक्चुअली कोरियन ब्रांड है, देखते हैं यहाँ पे चीज़ें कैसी है। मिनीसु की चीज़ें मुझे हाँ थोड़ी अच्छी लगती है, पसंद है। सो मैं सोच रहा था यहाँ की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होगी, बेटर होंगी, पर कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया। हाँ, अगर आप BTS के फ़ैन हो तो यहाँ पे बहुत सारी प्रिंटेड चीज़ें मिलती हैं जिसे आप खरीद सकते हो। सो हम काफ़ी घूम चुके हैं इसलिए हम सोच रहे हैं चाय पी के आएँ, तो चलो चलते हैं। ये लेमन टी आपको किसी भी नॉर्मल शॉप में मिल जाएगी बहुत इजीली, तो चलो चलते हैं दोबारा शॉपिंग के लिए। यहाँ पे मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, यहाँ के कलर्स और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ से आप सस्ते में जैकेट ले सकते हैं और यहाँ पे कपड़े का स्टफ अच्छा है इसलिए आप टी शर्ट भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आपको गाड़ी में लगाने के लिए मोनेस्टी फ्लैग्स चाहिए, जैसे जो कलरफुल फ्लैग्स होते हैं, वो सब भी यहाँ पे मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मोनेस्टी शॉप्स हैं। यहाँ पर आप महंगी से महंगी मूर्तियाँ खरीद सकते हैं जो 3.5 लाख तक की मैंने देखी। बुद्धा की मूर्ति के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। रेयर स्टोन वाले माला भी मिलते हैं यहाँ पे अगर आप खरीदना चाहते हो। सो अभी तो हम जा रहे हैं शूज़ की दुकान में क्योंकि मुझे शूज़ लेने थे, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कैसे शूज़ हैं। तो यहाँ पे जितने भी शूज़ हैं वो सारे फर्स्ट कॉपी हैं। फर्स्ट कॉपी मतलब होता है कि ओरिजिनल की एकदम एग्जैक्ट कॉपी, वैसे ऑलमोस्ट सबको ये बात बताई होगी। शूज़ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे लगा, एक जगह में 3200 बता रहा था, एक जगह में 2600, तो मैंने शूज़ नहीं लिए। टी शर्ट्स वगैरह भी हैं अगर आप देख सकते हो, बैचेस वगैरह भी हैं,
एंड यहाँ पे कोरियन ग्रॉसरीज भी मिल जाती है और बहुत सारी ऐसी बाहर कंट्री की चीज़ें हैं। एक चीज़ मुझे और मिस्टीरियस सी लगी कि यहाँ पे गलियाँ बहुत पतली पतली हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ में भी आपको ऐसे जाना पड़ता है और आपको सच में हैरी पॉटर वाली वाइब जाने लगती है। तो अगर कोई नया हो तो वो पक्का खो जाएगा क्योंकि ये छू मंदिर गली है। सो यहाँ पे दो मेन मॉनेस्ट्री है एक साथ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ विज़िट ज़रूर करते हैं। अभी तो एक्चुअली ये बंद हो गई है, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं शॉपिंग के लिए आया था, मॉनेस्ट्री घूमने के पर्पज़ से मैं नहीं आया। सो आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि रोड क्रॉस करके भी एक मार्केट है, वहाँ पर आप और अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं, जैसे फ़ोन कवर वगैरह या फिर आप घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी है। मेरे हिसाब से तो सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ। सो गाइज, हम बहुत चल चुके हैं और अब हम जूस वूस पीने के बाद सीधा घर जाने का प्लान कर रहे हैं। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होने वाला है। सो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, मैंने पहले ही बोला अभी भी बोल रहा हूँ। सो बहुत ज़्यादा रात हो गई है, पहुँचते पहुँचते शायद 11 बज जाएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइज़।